बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका भाई, आपका दोस्त नईम मुगल ए ऑन सोलर की जानिब से। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ एक नए प्रोजेक्ट के साथ, जो कि 6x6 12 किलो वाट का इनरक्स नाइट्रोक्स हमारा नया मॉडल है। आज का हमारा ये प्रोजेक्ट है रंगमहल लाहौर में। हमने इन्वर्टर हैंग करके डीपियाँ हैंग कर दी हैं, मगर हमने वायर्स के कनेक्शन अभी नहीं किए। हमेशा मैं आप दोस्तों के लिए वीडियो बनाता हूँ प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद। आज मैंने सोचा कि एक प्रोजेक्ट के दौरान वीडियो बनाकर आप दोस्तों के साथ शेयर करूँ। आपको दिखाता हूँ कि इनरक्स के नए मॉडल में उन्होंने क्या चेंजिंग की है और इसके कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। आपके सामने ये इन्वर्टर है 6 किलोवाट का। इसमें पहले उन्होंने यहाँ पर पेच देकर इस पैनल को बंद किया होता था। अब इन्होंने इसको कब्ज़ा लगाकर इसका सिस्टम थोड़ा सा चेंज कर दिया। ये देखिए, ये नया मॉडल है इनवरक्स का, जो अभी इसी महीने के स्टार्ट से शुरू हुआ। अभी हमने कोई भी कनेक्शन नहीं किया। मैं दोस्तों से कनेक्शन भी शेयर करूँगा। ये एक कुंडी सिस्टम इन्होंने बना दिया ताकि इसको आसानी से खोला और बंद किया जा सके। ये हमारे दोनों इन्वर्टरों के पैनल अभी खाली पड़े हैं। नीचे हमारी डीपी अल्हम्दुलिल्लाह फिट करके चेंज ओवर के लिए बॉक्स फिट कर दिए हैं। अभी मैं आपको इसके कनेक्शन के हवाले से बताता हूँ। हमने इसके साथ 20 पैनल फिट किए हैं। हम इसके साथ टोटल 24 पैनल तक लगा सकते हैं 585 वाट के। अभी मैं आपको इसके कनेक्शन के हवाले से ज़रा डिटेल बताता हूँ। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा खूबसूरत लग रहा है सेटअप यहाँ पर लगा हुआ। ये इसके साथ इसकी डीपी डक्ट और चेंज ओवर के लिए कनेक्शन। ये इनका छोटा सा पावर हाउस बना हुआ है, जिसमें पहले भी बैटरियाँ और इन्वर्टर वगैरह लगाए हुए हैं। अब आपको उसकी डीपी से मुतल्लिक बताता हूँ। इस डीपी के अंदर हमने एसी डीसी एसपीडीज लगाई हैं और इन्वर्टर की इनपुट का हैवी लोड का और नॉर्मल लोड का अलग अलग चेंज ओवर दे दिया। इसी तरह हमने नीचे चेंज ओवर के बॉक्स लगा दिए, जो कि हैवी लोड और नॉर्मल लोड को ऑपरेट करेंगे। अब आ जाते हैं इन्वर्टर के कनेक्शन की तरफ। ये देखिए जी, इन्वर्टर का पैनल बॉक्स आपके सामने है। इसमें सामने आपको ये प्लस और माइनस के दो निशान नज़र आ रहे हैं। इसमें हमारी बैटरी वायर लगेगी 48 वोल्ट में। अगर आप इसमें राइट साइड पर आएँ तो ये GEN लिखा हुआ है। ये GEN लाइन और न्यूट्रल इन्होंने दे दिया। ये हमारा हैवी लोड है। आज एक दोस्त ने मुझे कमेंट में पूछा था कि इसके कनेक्शन कैसे करते हैं। मैंने सोचा कि चलें उनके लिए भी आसानी हो। दरमियान वाले जो कनेक्टर हैं उसमें लाइन और न्यूट्रल लोड, जो कि नॉर्मल लोड है, जबकि राइट साइड पर जो ग्रिड लिखा हुआ है लाइन और न्यूट्रल, ग्रिड के लिए दो कनेक्टर दिए हैं। नीचे इन्होंने 3 पॉइंट दे दिए हैं अर्थिंग के लिए, जिसको हम एसी अर्थ देंगे। हमारे ये 6 कनेक्टर हैं, जिसमें नॉर्मल लोड, हैवी लोड और लाइन 3 कनेक्टर्स में, और बाकी 3 कनेक्टर्स में न्यूट्रल कंबाइन हो जाएगी। ये इन्वर्टर का नया सिस्टम, सेम इसी तरह हमारा दूसरा इन्वर्टर। अभी हमने कोई भी कनेक्शन नहीं किया। ये इनवरक्स का हमारा नया मॉडल है। इस इन्वर्टर की टोटल कितनी कॉस्ट है, ये आपको इंशाल्लाह प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद आपसे मैं शेयर करूंगा। प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद मैं आपको दोबारा फिर इसकी एक डिटेल वीडियो बना के सेंड करूंगा। इसी तरह यूट्यूब पर इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। इसकी टोटल जनरेशन कितनी है, ये एक इन्वर्टर एक दिन में कितने यूनिट बना सकता है और मैक्सिमम कितने बना सकता है, इंशाल्लाह ये भी डिटेल आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, तो आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो के इख्तिताम पर आप दोस्तों से हमेशा की तरह यही गुजारिश है कि जो दोस्त चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और वीडियो के इख्तिताम पर अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह किया करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।